जिंदाबाद, जिंदाबाद, लड़ाई से जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, भारत सरकार ने जो दो गाड़ियां प्राइवेट हाथों में आईआरटीसी को देने की घोषणा जो की थी उसको आज चलाने की बात की है। वो हरी झंडी दिखाने का काम करेंगे और हम लाल झंडी दिखाने का काम करेंगे। अगर निजी हाथों के अंदर ट्रेनों को देने का काम किया, उस ट्रेन में ना तो कोई रेल कर्मचारी सफ़र कर सकता है, ना कोई पास पीटीओ अलाउ है, ना आम आदमी भी उसका किराया पता नहीं कितना किराया उसका होगा। जो आम आदमी हम गरीब लोगों को ले जाने लाने का काम करती है ये रेलें, सामाजिक वहन अपना जो वजन है सामाजिक उसको अपना वहन करने का काम करती है, वो सब बंद करने के कागार पर ये मोदी जी लेकर के जा रहे हैं। इस रेलवे को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इन्होंने इसकी घोषणा बंद नहीं करी और इसको रद्द नहीं किया तो इस ट्रेन का चक्का जो कि हम चलाने का काम करते हैं इसको रोकने का काम करेंगे। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन, भूपेंद्र भटनागर। इस देश में पहली बार भारत सरकार ने भारतीय रेल के गाड़ी को निजी हाथों में सौंपने का काम किया है और आज तेजस एक्सप्रेस के नाम से आईआरसीटीसी के माध्यम से दो गाड़ियों को निजी क्षेत्रों में चलाने का निर्णय लेने का काम किया है और शुरुआत करने का कार्य किया है। और मंत्री जी ने तेजस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने का काम किया है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने तय किया है कि मंत्री जी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे और रेल कर्मचारी लाल झंडा लेकर के नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का आह्वान करके और इसका विरोध करने का काम करेंगे। इसका विरोध पूरे देश में हो रहा है और हमारा सीधा कहना है, हर बार हमने इस बात को कहा है कि यदि प्राइवेट सेक्टर से हमारा कंपटीशन कराना है तो प्राइवेट सेक्टर अपनी लाइन डाले, अपना कारखाना डाले, डिब्बा बनाए और फिर हमसे कंपटीशन करके प्रॉफिट में भारतीय रेल को चला करके दिखाने का काम करें तो हम उस कंपटीशन को फेयर कंपटीशन मानते हैं। भारतीय रेल का कर्मचारी डिब्बा बनाएगा, भारतीय रेल का कर्मचारी उस गाड़ी का संचालन करेगा, ट्रैक का रखरखाव करेगा, जो मेहनत का काम है वो भारतीय रेल का कर्मचारी करेगा और पैसा कमाने का काम यदि कोई पूंजीपति करेगा, कोई उद्योगपति करेगा तो इसको ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन कभी स्वीकार करने वाली नहीं है और इसका पूरे भारत देश में भरपूर विरोध किया जा रहा है। और आवश्यकता पड़ी तो चूंकि ये भारतीय रेल के अस्तित्व का सवाल है, देश की जनता को जो सुगम, सस्ता, सुरक्षित एक यातायात का साधन मिला हुआ है उसकी रक्षा का सवाल है, ये हमारे अस्तित्व की बात है। इसलिए आवश्यकता पड़ी तो इस आंदोलन को और भी आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। आज तो ये एक शुरुआत है। सरकार ने अभी हमारे प्रोडक्शन यूनिट को भी प्राइवेट हाथों में देने का निर्णय ले रखा है और वो भी हम बता दें कि भारत सरकार ने IBH कोचेज, जो नए कोचेज बने हैं, वो विदेशों से 13 करोड़ रुपये में आयात करने का काम किया। भारतीय रेल के कर्मचारियों ने भारत के कारखानों में उसी कोच को 4.25 करोड़ में बना करके दिखाने का कार्य किया है। इस कार्य कुशलता के साथ, इस मित्रता के साथ रेल कर्मचारी काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत के साथ इस भारतीय रेल का संचालन कर रहे हैं, जहाँ 99% पंक्चुअलिटी मेंटेन हो रही है, जहाँ 99.9% सेफ्टी मेंटेन हो रही है, ऐसे उद्योग को यदि प्राइवेट हाथों में देने का भारत सरकार काम कर रही है तो हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार को इस देश की जनता की चिंता नहीं है, भारत सरकार को उद्योगपतियों की चिंता है। और एक दूसरी बात जो इसमें नज़र आती है, भारत सरकार इस तरह से सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में देकर के जो हमारे पिछड़े वर्ग को आरक्षण का मुद्दा एक हक हासिल है, संविधान के तहत एक अधिकार हासिल है, उस आरक्षण के अधिकार के ऊपर भी पिछले दरवाजे से कुठाराघात करने का सरकार कोई प्रयास कर रही है और इससे हम कभी स्वीकार करने वाले नहीं। मोहन जी, ये गाड़ी में आपको कोई फैसिलिटी भी नहीं दे रही, कोई पास की फैसिलिटी नहीं, किसी चीज़ की फैसिलिटी नहीं? हाँ, अभी तक तो यही निर्णय है कि रेल कर्मचारियों को इसमें यात्रा की सुविधा नहीं होगी और निश्चित तौर पर यह अफसोसजनक बात है कि जिस भारतीय रेल को रेल कर्मचारी चलाएगा उसमें वो बाहर से उस गाड़ी को देखेगा और अंदर नहीं बैठ पाएगा। ये चिंतनीय बात है
और इससे पहले भी भारत सरकार ने शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, तमाम सुविधा एक्सप्रेस का संचालन करके ऐसा निर्णय लिया था, लेकिन ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने संघर्ष किया और उसमें भारतीय रेल के कर्मचारियों को सुविधा प्रदान कराई है। और इसके लिए भी हमारा तो संघर्ष है और इसमें हमारी एक ही मांग है कि निजी क्षेत्रों में भारतीय रेल को बेचने का काम बंद किया जाए। भारतीय रेल को रेल कर्मचारी चलाता आया है और भारतीय रेल के को भारतीय रेल का कर्मचारी ही भविष्य में चलाएगा। ऐसे आपके साथ हो जाए हर ट्रेनों में तो आप क्या करोगे? हमारा जो संविधान के तहत हमारा अधिकार है, ट्रेड यूनियन राइट है, हम आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे, रैली निकालेंगे और फिर भी यदि भारत सरकार नहीं मानती है तो आखिरी हड़ताल का जो हमारा अधिकार है उस हड़ताल को, देशव्यापी हड़ताल को करने का निर्णय देश राष्ट्रीय स्तर पर लेने का काम किया जाएगा। आगे या रेल का चक्का भी जाम करने? निश्चित तौर पर ये हमारा अंतिम जो प्रयास होगा वो यही होगा। आपका नाम? मोहन चेलानी, मंडल अध्यक्ष, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज। आज दिनांक 4 अक्टूबर 2019 को ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर आज पूरे भारतवर्ष के साथ में अजमेर मंडल पर तीनों क्रू लॉबी, अजमेर, आबूरोड, उदयपुर, सभी लॉबी पे आज हमने तेजस गाड़ी जो कि भारत सरकार द्वारा और रेल मंत्रालय द्वारा IRCTC को सौंपी गई और IRCTC इसे निजी तरीके से संचालित कर रहा है, जिसके विरोध में पूरे भारतवर्ष के जितने भी रेल मजदूर हैं वो सब इसके विरोध में उतरे हैं। और उसी कड़ी में आज हमने ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के बैनर तले अजमेर मंडल में अजमेर स्टेशन पर, आबूरोड स्टेशन पर और उदयपुर स्टेशन पर इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें हमारे साथी आप लोग देख रहे हैं जितने रोष में हैं, ये रोष केवल और केवल निजीकरण के विरोध में है। निजीकरण रेल का कर रहे हैं जबकि ये मजदूरों के, छात्रों के और किसानों के हित में बिल्कुल नहीं है। ये पूंजीवादिता को बढ़ावा देना है। पूंजीवादिता जिस तरह बढ़ रही है और जिस तरह पूंजीवाद इस सिस्टम पर हावी हो रहा है वो दिन दूर नहीं है जब इस देश का गरीब जो आज एक जनरल डब्बे में सफ़र करने को मजबूर हो रहा है। इस देश में हमारे मंत्रियों को, भारत सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि इन मजदूरों को, इन किसानों को, इन छात्रों को, इन विकलांगों को, इन सैनिकों को कैसे रियायत दी जाए। लेकिन वो रियायत देना तो दूर, भारत सरकार अपने इस रवैये पड़ी है कि नहीं, हम तो पूरा देश बेच के रहेंगे। आज रेल के दो गाड़ी बेची गई है जो कि IRCTC संचालित कर रहा है, जिसमें आज तो रेल का ड्राइवर, गार्ड और TT चला रहे हैं, लेकिन अगले कुछ महीनों में 15 अक्टूबर तक आपको ये देखने को मिलेगा कि अगली 150 गाड़ी और प्राइवेट प्लेयरों को दी जाएंगी, जिसमें इनके जो दोस्त हैं अडानी, अंबानी और कई साथी वो सब साथ में आएंगे और वही इन गाड़ियों का संचालन करेंगे, जिससे देश को घाटा है। आज रेल मजदूर चिल्ला रहे हैं, अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपनी आवाज़ मजबूत कर रहे हैं, लेकिन इसमें आम जनता को हमारा साथ देना होगा। अगर आम जनता ने हमारा साथ नहीं दिया तो आम जनता इतनी बुरी तरह पिसेगी जिसका कोई हल नहीं निकाल पाएगा। और इसका पूरा देश को, इस रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली रेल को बेचने का जो कार्य किया जा रहा है वो कार्य हम नहीं होने देंगे। निजी गाड़ी में ड्राइवर, गार्ड, TT, एस्कॉर्टिंग स्टाफ, RPF किसी का भी ब्यौरा सरकार के पास नहीं रहेगा और इससे कोई रियायत किसी भी आम जनता को नहीं मिलेगी, विकलांग को नहीं मिलेगी, सैनिक को नहीं मिलेगी, छात्र को नहीं मिलेगी, मजदूर को नहीं मिलेगी, किसान को नहीं मिलेगी, जिससे हमारे सारे कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ेंगे। साथ ही साथ इस पे जो किराया लगेगा उस किराए पे किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, उस नियंत्रण के हम बिल्कुल खिलाफ है और नियंत्रण भारत सरकार के पास रहना चाहिए। साथ में इसमें जो फायदा होने वाला है वो फायदा केवल निजी कंपनियों को या जो कंपनी और जो पूंजीवादी, जो पूंजीपति इनको चलाएंगे फायदा जाएगा उनके पास, लेकिन जो घाटा जाएगा वो रेल का होगा। रेल का मतलब आम जनता को होगा। हमारे पैसों से, आपके पैसों से ये रेल चलती है, किसी पूंजीवादी के पैसों से, टैक्स पेयर से रेल नहीं चलती है। तो ये हम रेल मजदूरों से अपील करते ही हैं, साथ ही साथ हमारे देश की जनता से और आम जनता से, गरीब मजदूर, किसान, गरीब पीड़ितों से भी अपील करते हैं कि उन्हें हमारा साथ देना होगा, इस आंदोलन को हमारे साथ रखना होगा। ट्रेन बंद नहीं करते तो आप आगे क्या करोगे? ट्रेन बंद नहीं करते हैं तो गत 30 सितंबर 2019 को जंतर मंतर पे वो प्रमुख 10 ट्रेड यूनियनों की मीटिंग हुई है, एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ है। उस कन्वेंशन में 8 जनवरी 2020 को आम स्ट्राइक की घोषणा की गई है। अगर ये सब निजीकरण, रेस को बेचना और राष्ट्र को बेचना बंद नहीं किया गया तो पूरा देश का चक्का जाम होगा, पूरा देश जाम होगा। अपना गौरव सेन, मंडल अध्यक्ष।